नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24। नौबस्ता उद्योग व्यापार मंडल कर रहा खुला समर्थन किदवई नगर विधानसभा प्रत्याशी महेश त्रिवेदी का। इस समय एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है, जिसमें नौबस्ता उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी किदवई नगर विधानसभा के प्रत्याशी महेश त्रिवेदी के लिए ढोलक मंजीरा बजाते हुए वोट मांग रहे हैं। इस पर जब न्यूज नेटवर्क 24 की टीम ने बात की तो पदाधिकारी ने बताया कि विधायक महेश त्रिवेदी ने अपने कार्यकाल में व्यापारी हितों के लिए काम किए हैं, जिससे व्यापारी संतुष्ट हैं। उसी को देखते हुए हम उनका समर्थन करते हैं। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। फरवरी के मतदान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो पहले भी अपील की हुई है और पूरी बाजार में घूम घूम के अपील की है कि प्रत्येक घर से वोट डालने के लिए निकलें और जब भी निकलें अपने अगल बगल पांच पांच घरों में जाकर के वोट देने के लिए सभी से अपील जरूर करें। ये नौबस्ता उद्योग व्यापार मंडल की अपील रही है। अभी एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें आप ढोलक मंजीरा बजाते हुए महेश त्रिवेदी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, इसके बारे में आप? राष्ट्र निर्माण में हम लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हमारा नौबस्ता उद्योग व्यापार मंडल समर्थन देता है और सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी को कमल निशान पे आदरणीय विधायक महेश त्रिवेदी जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं और हम सभी से अपील भी करते हैं कि वो लोग ऐसा करें। बतौर व्यापारी एक खास राजनीतिक दल को सपोर्ट करना कितना सही है आपकी नज़र में? नहीं, वो तो सही नहीं, लेकिन हमारे महेश त्रिवेदी और भाजपा हमेशा व्यापारी हित में काम किया है और व्यापारी हित में काम करती रही है, इसलिए व्यापार और व्यापारी हैं वो बीजेपी को ही पसंद करते हैं। अभी कुछ बयान सामने आ रहे थे जिसमें उन्होंने ये बोला था कि मैं घर घर जाऊंगा, नहीं वोट नहीं मांगने जाऊंगा, लेकिन वो तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन आप लोग अक्सर नजर आते हैं क्षेत्र में उनके समर्थन में वोट मांगते हुए। जो उन्होंने कहा था कि हम घर घर नहीं जाएंगे वो गलत कहा था, उसमें पूरा वीडियो शायद आपने बाद में देखा होगा, वो ऐसा नहीं फेक था, वो कटा हुआ था, बाद में विधायक जी ने उसको दोबारा फिर डाला। तो नौबस्ता व्यापार मंडल क्या कुछ उम्मीद चाहता है विधायक जी से जीतने के बाद? नौबस्ता व्यापार मंडल के साथ में आदरणीय महेश त्रिवेदी जी शुरू से साथ में रहे, हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहे, समय समय पर सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ भी कराते रहे, उनके माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएँ भी कराएंगे। आगे तो हर अभिलाषा बिना स्वार्थ के तो प्रीत होती नहीं है, लेकिन चाहते ये हैं कि महेश जी के जैसे व्यक्तियों को राजनीति में आगे आना चाहिए और हम जैसे व्यापारियों के लिए संरक्षक की भूमिका में बने रहना चाहिए। तो क्या अभिलाषा है महेश त्रिवेदी जी? भयमुक्त वातावरण, और ये तो 5 साल हम लोगों ने देख लिया कि वो निर्भीक रहने के लिए हम लोगों से कहते भी हैं और हम लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं कि आप किसी से भय न मानिए, हम आपके साथ में, बस यही बहुत है। व्यापारी को यही चाहिए, व्यापारी को व्यापार करने के लिए कोई गुंडा टैक्स कोई वसूली नहीं होनी चाहिए, बस यही चाहिए, व्यापारी तो अपना करता ही रहेगा। इस 5 साल जो उनका कार्यकाल रहा है, आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लगती है जो उन्होंने व्यापारी हितों के लिए काम किया? किसने? भाजपा ने की? विधायक महेश त्रिवेदी बहुत अच्छा काम किया, क्या गलत क्या किया उन्होंने? ट्रांसपोर्ट जो रोड बन रही है ये विधायक जी की देन है, ये आपके बाईपास के नीचे 100 बेड का अस्पताल बन रहा है विधायक जी की देन है, बढ़िया काम किया है विधायक जी का। जो नीत 355 करोड़ रुपया को उन्होंने यहाँ खर्च किया है और कोरोना काल में उन्होंने बहुत मदद की, यहाँ पे सिलेंडर बांटे, राशन बांटा, सभी को दुख दर्द में वो हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा साथ रहेंगे। कितना संतुष्ट है विधायक से? हमारे यहाँ का नौबस्ता व्यापार मंडल का जितना भी व्यापारी है, और हमारा सिर्फ व्यापार मंडल से ही मतलब नहीं है, हमारे यहाँ का पूरा वार्ड 66 पशुपत नगर वार्ड 66 भी किदवई नगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा टॉप मतों से अपने वार्ड से जिता करके महेश त्रिवेदी को भेजने का कार्य करेगा, व्यापारी रातों दिन एक किए हुए। इसमें कुछ ही समय बचे हैं मतदान को लेकर, आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि किस तरीके से आप उनको और चुनाव लड़वाने की तैयारी करेंगे? हम लोग घर घर जा करके महेश त्रिवेदी के पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे और सभी को समझाने का काम करेंगे, एक एक वोट योगी आदित्यनाथ जी के लिए डलवाने का प्रयास करेंगे।